दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। धर्म की नगरी काशी में भी नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा विधिवत की जाती है, जिसमें सबसे पहले दिन माता शैलपुत्री के दर्शन का विधान है। पूरी रिपोर्ट देखें। भगवती दुर्गा का प्रथम स्वरूप भगवती शैलपुत्री है। हिमालय के यहाँ जन्म लेने से भगवती को शैलपुत्री कहा गया। भगवती का वाहन वृषभ है, उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। इन्हें पार्वती स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी के इस रूप ने ही शिव की कठोर तपस्या की थी। नवरात्र में इनके दर्शन मात्र से सभी वैवाहिक कष्ट मिट जाते हैं। माँ की महिमा का पुराणों में वर्णन मिलता है कि राजा दक्ष ने एक बार अपने यहाँ यज्ञ किया और सारे देवी देवताओं को बुलाया, मगर सृष्टि के पालनहार भोले शंकर को नहीं बुलाया। इससे माँ नाराज हुई और उसी अग्निकुंड में अपने को भस्म कर दिया। फिर देवी का शैलराज के यहाँ जन्म हुआ, जिन्हें माता शैलपुत्री के रूप में जाना जाता है। माता का महत्व बताने से नहीं, यहाँ आप लोग आइए दर्शन करिए तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इनका महत्व क्या है। लेकिन ऐसे भी आपने पूछा है तो बता दूँ कि माँ के दरबार में कोई भी आया हुआ भक्त जो यहाँ मुराद अगर रखता है उसकी पूरी जरूर होती है। जो चाहे किसी भी प्रकार का, चाहे उसको अन्न चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए या सुहाग चाहिए, अब माँ का यहाँ पे बहुत ही सौम्य रूप है। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल पुष्प और अमृत कलश लेके विराजमान है। वाराणसी में माँ का अति प्राचीन मंदिर है, जहाँ नवरात्र के पहले दिन हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। हर श्रद्धालु के मन में यही कामना होती है कि माँ उनकी मांगी हुई हर मुरादों को पूरा करेगी। माँ को चढ़ावे में नारियल और गुड़हल का फूल काफी पसंद है। वाराणसी से के न्यूज के लिए मोहम्मद कैफ की रिपोर्ट।